सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसानों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी वाला अपडेट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधी रकम में, जी हां दोस्तों, कि आप आधी रकम में कैसे खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। तो आइए जानते हैं इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको मिलेगा ट्रैक्टर। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दिखित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में आगे बढ़ो, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि आपके शहर और आपके राज्यों का भी अपडेट लेकर आप आऊंगे जल्द से जल्द। दोस्तों किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20-50% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो किसान ज्यादा अर्न कर सकेगा, किसान ज्यादा खुशहाल रह सकेगा। अगर आप भी ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, ज्यादा खुशहाल रहना चाहते हैं और लेना चाहते हैं आप ट्रैक्टर, जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद खुशखबरी बताने वाला हूँ। आप आधी रकम में कैसे खरीद सकते हैं ट्रैक्टर, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो किसानों के लिए बेहद खुशखबरी वाला है, क्योंकि आप आधी रकम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। तो आइए जानते हैं कैसे करना है इसके लिए अप्लाई। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत देश के किसानों को, यानी इंडियन फार्मर्स की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान ट्रैक्टर योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20-50% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसानों के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो इससे न केवल कृषि विकास दर को गति मिलेगी बल्कि किसानों को आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और आय में भी वृद्धि होगी। दोस्तों अब नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है, इस वित्त वर्ष में भी सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है और किसान को इसकी आधी कीमत चुकानी होगी। तो आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है। दोस्तों इस योजना को देश के हर राज्य में लागू किया गया है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, इसके साथ में सब्सिडी भी दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों सभी राज्यों द्वारा योजना के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है, आगे मैं आपको वेबसाइट भी दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपकी ये बेहद काम की और उपयोगी साबित हो सकती है। और आप अपने रिश्तेदार दोस्त फ्रेंड में जरूर सर्कल में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, जिन्हें ट्रैक्टर लेने की चाह है या जो ट्रैक्टर लेने की योजना बना रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए कि उन्हें किस तरीके से फायदा मिल सकता है। दोस्तों किसान ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकता है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इस योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधा उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है और महिला किसान को इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों इस योजना से जुड़ने वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए, यानी आपने इसके पहले कोई भी ऐसा उपकरण कृषि यंत्र नहीं लिया हो जिसमें आपको सब्सिडी दी गई। अच्छा बात करते हैं कि आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आपको जो दस्तावेज चाहिए वो ये है, किसान के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड, जमीन के कागजात, पहचान पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। दोस्तों इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध कराई गई है। किसान भाई को कृषि विभाग के नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी कि CSC में जाना होगा। जन सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उससे पूछी गई जानकारी जैसे कि नाम पता आदि भरनी होगी और फिर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जन सेवा केंद्र यानी कि CSC सेंटर में आपको जाना होगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट है। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहुंच सकते हो, उसे आप देख लीजिए।
असम की ये है वेबसाइट, मध्य प्रदेश की ये वेबसाइट है, महाराष्ट्र की ऑफिसियल ये वेबसाइट है, एग्रीकल्चर बिहार की ये साइट है और गोवा की ये साइट है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे राज्य में रहते हो जिसकी वेबसाइट मैंने शुरू नहीं की हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो आई होप कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अगर आप ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर लेना कितना हो गया है आसान। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल रहता हो तो करिए, और अगर फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाय, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप किस शहर से देख रहे हैं ये जरूर बताना ताकि आपके राज्य का भी शहर का भी अपडेट लेकर आओ नेक्स्ट जल्द।